नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 30 और 31 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके बाद लोगों को महंगाई से राहत मिली है। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष महंगाई को लेकर हमेशा हमलावर रहा है। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल, यहां तक कि टमाटर जैसे सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने एक तरफ जनता की जेब को खाली करने का काम किया है, वहीं बढ़ती महंगाई ने विपक्ष को केंद्र सरकार को घेरने का मौका भी दिया है। इसके अलावा अब इस साल के अंत तक कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, उसके बाद अगले साल लोकसभा का भी चुनाव है। ऐसे में जनता का गुस्सा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद लोग खुश हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल बढ़ती महंगाई से जनता को राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती कर दी है। मतलब अब घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 200 कम कीमत चुकाना होगा, लेकिन ये तोहफा सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लोगों को ही मिलेगा। हालांकि अगस्त महीने के पहली तारीख को ही पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती कर दी थी, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वहीं मौजूदा एलपीजी की कीमतों की बात की जाए तो दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपए थी, मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,102 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 1,129 रुपए और चेन्नई में 1,118 रुपए 50 पैसे था। वहीं सरकार के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अब 200 रुपए सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसके तहत सरकार गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल से नीचे के परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देती है और उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को एक साल में कुल 12 रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी पर मिलता है। वहीं सब्सिडी लेने के लिए आपको अपना आधार नंबर एलपीजी कनेक्शन से लिंक करना होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस रक्षाबंधन के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती कर दी है। वैसे आप मोदी के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया है, या फिर 200 रुपए की कटौती सभी के लिए की जानी चाहिए थी, सिर्फ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और आइए वीडियो के आखिर में हम आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रसोई गैस सिलेंडर पर कटौती को लेकर क्या कुछ कहा। भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 3600 रुपए खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपए का लाभ, और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपए की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। दाम कम किए गए हैं। ये राखी और ओनम के अवसर पर भाई नरेंद्र मोदी जी का बहनों को एक बड़ी सौगात तोहफा।